हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत किया जाता है एक और नई वीडियो में, रात की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना। आई एम सुजीत कुमार। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जो रात की प्रार्थना के साथ हम सभी को फिर से उपस्थित किया है, जीवित रखा। हम सभी परमेश्वर की हुजूरी में आए हैं, परमेश्वर का धन्यवाद देंगे जो परमेश्वर ने हमें उपस्थित किया है आप लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए। मुझे विश्वास है कि आप वीडियो देखते रहते हैं, प्रार्थना सुनते रहते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे, आपके बीवी बच्चों को आशीष दे, आपके घर परिवार को आशीष दे, बूढ़े हों बच्चों जवान, हम सभी के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, गुहारते हैं, परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनता रहता है, हमारी पुकार को हमारा परमेश्वर सुनता रहता है, उत्तर देता रहता है। ठीक है, हमें विश्वास करना है, विश्वास करने की आवश्यकता है। वो इतना महान परमेश्वर है, इतना दयालु परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। मेरे प्रियजनों, अरे आप निराशा में हैं, बेचैनी में, जब कोई सही रास्ता नहीं मिल रहा है, सही चुनाव नहीं मिल रहा है, तो आज किसी इंसान के पास, किसी मूर्तियों के पास आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। मुझे विश्वास है कि आपका जीवन बदलेगा इस प्रार्थना के द्वारा। मुझे विश्वास है कि परमेश्वर आपसे बात करेगा। मुझे विश्वास है कि पवित्र आत्मा आपको छुएगा। यदि आप टूट चुके हैं, निराशा में चले गए हैं, बेचैनी में चले गए हैं, तो आइए अपने हाथों को उठाएंगे, घुटने टेके बैठ जाएंगे और परमेश्वर से बताएंगे, उसकी तारीफ करेंगे, महिमा करेंगे, बढ़ाई करेंगे मेरे प्रियजनों। ठीक है, क्योंकि वह महिमा करने के योग्य, तारीफ करने के योग्य, स्तुति प्रशंसा बढ़ाई करने के योग्य है। उसी के नाम सभी को जीवन मिला है, उद्धार मिला है, अनंत काल का जीवन हमें परमेश्वर ने दिया है। ठीक है, यदि बीमार हैं, हॉस्पिटल में एडमिट हैं, खाट पे पड़े हैं, बेड पे पड़े हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तो आज आपको परमेश्वर से बताना है। आज आपको किसी मनुष्य से बताने की आवश्यकता नहीं है, उस परमेश्वर से बताने की आवश्यकता है जो महान परमेश्वर है, जो दयालु परमेश्वर है, जो राजाओं का राजा है, जो प्रभु का प्रभु है, जो अल्फा ओमेगा है, जो आदि और अंत है। परमेश्वर आपके दुखों को दूर करेगा, आपके आंसू को पोछेगा, परमेश्वर आपकी बीमारियों को दूर करेगा। यदि आप रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तो आज आपको परमेश्वर से बताना है। वो परमेश्वर इतना महान है, इतना दयालु है, वो हम सभी से बहुत प्रेम करता है, उसने हम सभी से बहुत प्रेम किया, उसने अपनी जान देके साबित करके दिखा दिया, उसके मुंह पर थूका गया, उसे 39 कोड़े लगवाए गए, क्रूस पर चढ़ाया गया, किले ठोकी गई, दाढ़ी नोची गई, मुंह पे थूका गया, 39 कोड़े लगवाए गए मेरे प्रिय, सिर्फ हम सभी के खातिर, जो सजा हम सभी मानव जाति को मिलने वाली थी, वो सजा यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। उसने हंसते हंसते अपनी जान दे दी, वो कलवरी क्रूस पे चढ़ गया, अपने आप को नहीं रख छोड़ा हमारा परमेश्वर, सिर्फ हम सभी के खातिर, हम सभी मानव जाति के खातिर। जो सजा हम सभी मानव जाति को, पापियों को मिलने वाली थी, वो पाप का बोझ, बीमारियों का बोझ, गुनाहों का बोझ परमेश्वर ने अपने ऊपर उठा लिया, हमारा परमेश्वर अपने देह पर ले लिया और कलवरी क्रूस पर चढ़ गया। परमेश्वर कहता है, मेरे बेटी, मेरे बेटे, मेरे पुत्र, मेरी पुत्रियों, तुम क्यों निराश होते हो, तुम इतने चिंतित क्यों हो, क्या मैं तुम्हारा ध्यान धरने वाला परमेश्वर नहीं, तुम अपना बोझ मुझ पर डाल दे, मुझे तेरा ध्यान है, तू बोझ में दबा है, चिंता में दबा है, तू मेरा शब्द सुन, एक बार अपना बोझ मुझ पर डाल दे, एक बार मुझको परख कर देख कि मैं कैसा भला परमेश्वर यहोवा हूँ। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर बोलता है, जो आपका बोझ है, जो आपकी बीमारियां हैं, जो आपकी समस्याएं हैं, जो आपका कर्ज है, जो बोझ है, अपना बोझ परमेश्वर पे डाल दो। हे बोझ से दबे मानते हुए लोगो, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, परमेश्वर यीशु मसीह ने अपने वचन में कहा है। यीशु मसीह अपने वचन के माध्यम से हम सभी से बात करता है और बोलता है हम सभी से, हे बोझ से दबे मानते हुए लोगों, चिंताओं में डूबे हुए लोगों, रोते हुए लोगों, निराशाओं में जाते हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा, अपनी शांति दूंगा। ऐसा शांति नहीं देता हमारा परमेश्वर जैसा संसार देता है, वो अपनी शांति देता है। परमेश्वर अपनी शांति देगा हमें, वो ऐसी शांति देता है कि आप जीवन भर नहीं भूलेंगे, आपका जीवन बदल जाएगा, इतनी शांति परमेश्वर अपनी देगा आपके अंदर। मेरे प्रियजनों, इस प्रार्थना को आँख बंद करके सुनना है, विश्वास क्या सुनना है, लास्ट में आमीन बोलकर रिसीव करना है। ठीक है, चलिए हम प्रार्थना को स्टार्ट करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु पापा आपकी महिमा करते हैं, बड़ाई करते, तारीफ करते, जय जयकार करते, सच में पवित्र आत्मा जी आपकी महिमा करते हैं, पवित्र आत्मा जी आपका वेलकम करते, स्वागत करते, पवित्र पाखुर मेरे प्रभु आप महान हैं,
आप दयालु हैं, आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभु के प्रभु हैं, आप सेनाओं के यहोवा हैं, आप सृष्टिकर्ता मालिक हैं मेरे प्रभु। जो आपने यीशु पिता हम सभी को मेरे परमेश्वर जीवितों के बीच में जीवित रखा यीशु मसीह, इसके लिए पिता पवित्र आत्मा जी हम आपका धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा जी मेरे प्रभु। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे पिता जो मर गए होंगे पिता, जो अपने माता पिता से, भाई बहनों से, घर मोहल्लों से बिछड़ गए होंगे, वे एक ऐसे स्थान पर चले गए होंगे मेरे प्रियजनों जहाँ की आग नहीं बुझती है, जहाँ के कीड़े नहीं मरते हैं, जहाँ पर धनवान मौजूद है, जिस आग में तड़प रहा है उसी आग में वे लोग चले गए होंगे, जो अंधकार में चले गए होंगे। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो इस मस्ती को नहीं जानते हैं, अंधकार में डूबे होंगे, खोए होंगे, संसार में लिप्त होंगे, वे मर जाते हैं, वे बहुत दूर चले जाते हैं, उन्हें सीधाई का पथ नहीं मिल पाता है मेरे परमेश्वर। जो आपने मेरे परमेश्वर हम सभी को माता के गर्भ से चुना है प्रभु, आपने कहा मैंने तेरा नाम लेके बुलाया है, तू मेरा ही है, तू मेरा पुत्र है, तू मेरी पुत्री है, मैंने तेरा नाम लेके बुलाया है, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पे खोद के बनाया है। परमेश्वर हम सभी से बहुत प्रेम करता है। यीशु मसीह ने कहा है जो तुम्हें छूता है वह मेरी आँख की पुतली को छूता है। मेरे पिता हम प्रार्थना करते मेरे परमेश्वर, जो मसीह भाई पिता हॉस्पिटल में एडमिट है मेरे परमेश्वर, जो खाट पे, जो बेड पे पड़े हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, हॉस्पिटल पड़े हैं, अपने खाट अपने आंसू से भिगो रहे मेरे परमेश्वर, हम चाहते हैं पवित्र आत्मा जी सच में यीशु मसीह आप इनका रोना बंद कर दीजिए। यू आर हील इन द नेम ऑफ जीसस, ग्लोरी टू गॉड। मेरे परमेश्वर हील हो जाए, यू आर हील, यू आर हील, यू आर हील इन द नेम ऑफ जीसस मेरे परमेश्वर। इनकी बीमारियाँ जाएं, छोड़कर जाएं, इनका शरीर छोड़कर जाएं, आजाद हो जाएं, बीमारियाँ जाएं, गिल्टियाँ जाएं, रसोलियाँ जाएं, पथरियाँ जाएं, बच्चे की आशीष आने पाए, बच्चे की आशीष आने पाए यीशु मसीह के नाम से, बंद कोखे खुल जाए यीशु मसीह के नाम से, जो पिता नौकरी दुकानें बंद पड़ी हैं खुल जाएं, खुल जाएं, ओपन द डोर परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार के कैंसर, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के डेंगू बुखार, हर प्रकार की मलेरिया, गंदी बदबू, दुष्ट आत्माएं छोड़े और जाएं, छोड़े और जाएं यीशु मसीह के नाम से मेरे परमेश्वर। आजाद कर, टच कर पवित्र आत्मा जी, टच कर परमेश्वर, आजाद कर, आजाद कर, आजाद कर, आजाद हो पाए यीशु मसीह के नाम से मेरे पिता। प्रार्थना करते प्रभु, जो गरीब है परमेश्वर, जो लाचार है, जो कमाने वाले नहीं है मेरे परमेश्वर, हम चाहते हैं परमेश्वर प्रभु ये सब कुछ छोड़ छाड़ के मेरे परमेश्वर आपके पीछे आए हैं मेरे प्रभु, आप इनका जीवन संभालिए पिता, ये टूटने में खरने ना पाए परमेश्वर। आपका वचन कहता है मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे खोल दिए जाएंगे, आशीष के दरवाजे मेरे परमेश्वर। हम मांगते ढूंढते खटखटाते हैं इन तमाम मसीह भाई बहनों के लिए मेरे परमेश्वर, इन्हें पिता आशीष दीजिए पिता, और सुर के झरके खुल जाए, गरीबियाँ दूर हो जाए मेरे परमेश्वर, बहुत तेरी जातियों को धार देने बन जाए सुनाशी क्रम से मेरे परमेश्वर। जो इस वक्त इस प्रार्थना को सुन रहे मेरे परमेश्वर, इनके जीवन में बहुत बड़ी मिराकल मनी होने पाए सुमस्य क्रम से, इनका जीवन बदल जाए सुमस्य क्रम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र, 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 आप राजाओं के राजा हैं, प्रभु के प्रभु हैं, आप सेनाओं के यहोवा सृष्टिकर्ता मालिक है मेरे परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं उन बहनों के लिए परमेश्वर, जिन बहनों के बच्चे नहीं होते पिता, उनके कोखे बंद पड़े हैं मेरे परमेश्वर। जिस प्रकार से मेरे पिता अपने सारा कुछ 90 वर्ष की आयु में संतान दिया था, बच्चे देते परमेश्वर, उसी प्रकार से यीशु मसीह सच में पवित्र आत्मा जी हुक्म करता हूँ, आदेश देता हूँ यीशु मसीह के नाम से, वे बंद कोखे खुल जाए। जो शैतान पकड़ के रखा है, बंद करके रखा है मेरे परमेश्वर, हम चाहते हैं पवित्र आत्मा यीशु मसीह छू और स्पर्श कर, आजाद कर, बच्चे की आशीष आ जाए यीशु मसीह के नाम से मेरे पिता। हम प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर, जो मसीह भाई रात में नहीं सो पाते हैं प्रभु, जिन्हें डर लगता है, भय लगता है, गंदे सपने आते, ख्याल विचारता प्रभु, आपका वचन कहता है नित्य वचन में मेरे परमेश्वर, जब तू लेटेगा तब तू भय न खाएगा, जब तू लेटेगा तब तुझे सुख की नींद आएगी, अचानक आने वाले भय से न डरना मेरे परमेश्वर, आपका वचन कहता है प्रभु। मुझे आशा विश्वास है पिता अपने प्राणों को सुना है, ये छोटी सी मिनट उद्धार करता यीशु नासरी के नाम से मीठे और पावन नाम से मांग लेते हैं, सुनिए और कबूल करेगा, आमीन।